हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहिद, मैं आपके साथ फिर हाज़िर हूँ। हम DMIT पे एक सीरीज़ कर ही रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेके भी कुछ डिस्कशंस करना चाहता हूँ। तो हम एक और सीरीज़ हम रन करेंगे, जो हम बेसिकली बात करेंगे एजुकेशन को लेके। आज कई सालों से हम देख रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो मोर ऑफ एन इंडॉक्ट्रिनेशन बन गई है। अब एजुकेशन एजुकेशन ना रह के सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा या हम कहेंगे कि एक इंटेलेक्चुअल एजेंडा रह गई है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम पढ़ते हैं, जो शायद सच नहीं होती हैं, या आधी सच होती हैं, या पौना सच होती हैं, आई डोंट नो। बट हम इन सब चीज़ों को लेके डिस्कस करेंगे, और इस सीरीज़ में मैं कई लगातार मेहमानों को भी लेते आऊँगा, कई बार अकेले भी बात करेंगे। तो इन चीज़ों पे बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक साइंटिफिक टेंपर डेवलप हुआ, तो ये माना गया कि साइंटिफिक टेंपर का मतलब है कि हम जाने क्यों, कब, कैसे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जिसको हम आजकल मॉडर्न साइंस बोलते हैं, उसने भी एक रिलीजन का रूप लेना शुरू कर दिया। वो भी एक रिलीजन की तरह ही वो बोलती है कि क्वेश्चन मत करो, हमने जो बोल दिया वो बोल दिया, जो फैक्ट हो गए हैं हो गए हैं, उसके बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि वो बिल्कुल गलत है। बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी फैक्ट्स भी लगातार चैलेंज होते रहे हैं। तो ये बोल देना कि नहीं, ये जो हो गया दिस इज़ द लास्ट वर्ड, ये मेरे ख्याल से साइंटिफिक टेंपर के खिलाफ है। साइंटिफिक टेंपर कहता है आप जांचिए, परखिए, मानिए और फिर जांचिए। हो सकता है अगली बार कुछ और नतीजा निकले, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं। पिछली बार जो फैक्ट्स या पिछली बार जो सबूत पेश किए गए थे, उसके मुकाबले में कुछ नए फैक्ट्स, नए सबूत आ गए हैं। तो ये जो इंडॉक्ट्रिनेशन चल रही है, इंडॉक्ट्रिनेशन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इंडॉक्ट्रिनेशन में क्या होता है कि आपको सिर्फ जो बताया जाता है आपको मान लेना है। आप उसमें अपने क्वेश्चन नहीं डाल सकते कि ये सच है कि झूठ है, कि क्या है क्या नहीं है। तो हम इस पूरी सीरीज़ में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी एजुकेशन अब इंडॉक्ट्रिनेशन की तरफ जा रही है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रेविटी की बात करें, तो ग्रेविटी को एक अब इस तरह से माना जाता है, काइंड ऑफ पत्थर की लकीर की जो बोल दिया है ग्रेविटी। बट खुद ग्रेविटी में, ग्रेविटी को लेकर अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग राय है। कुछ इसमें पार्टिकल थ्योरी देते हैं, कुछ वेव थ्योरी देते हैं, कुछ कर्वेचर थ्योरी देते हैं, और बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि ग्रेविटी है ही नहीं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ग्रेविटी नहीं है, और वो बेसिकली डेंसिटी और ब्योन्सी को ही ग्रेविटी का रूप मान लिया गया है। अब ये सच क्या है, झूठ क्या है, इन सब चीज़ों को लेके हम डिस्कशंस करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं, दर्शक लोग भी इसको इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि हम और गहराई से जान सकें और अपनी एजुकेशन को सिर्फ एक सिलेबस से हटा के एक नॉलेज को बीच में लाया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज गायब हो चुकी है हमारे एजुकेशन से, और अगर हम इस नॉलेज को वापस नहीं लाएंगे तो हम अंधकार में जाते जाएंगे। रोशनी में जाना बहुत ज़रूरी है, और रोशनी के लिए आपको मालूम है बल्ब जलाना है, लाइट जलानी है, कैंडल जलानी है, कोई भी लाइट का सोर्स जलाना है। तो जब भी आप नॉलेज के रास्ते पर चलते हैं, जब आप जाँचते हैं, परखते हैं, तो आप सही रास्ते पर पहुँचते हैं। और जब आप हर चीज़ को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अंधेरे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़ को आप आंखें बंद करके नहीं मान सकते हैं, और साइंटिफिक टेंपर भी यही कहता है। बट बहुत दुख की बात है, आज हमारे बहुत सारे साइंस के टीचर्स भी हैं जो इस साइंटिफिक टेंपर से बिल्कुल खिलाफ चले गए हैं। वो बोलते नहीं, इसमें आपको जाँचना परखना नहीं है, बस ये लिख दिया गया है, किसी ऑथर ने लिख दिया है, किसी ने लिख दिया है, तो बस हमें इसे मान लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें उसके ऊपर सवाल उठाने हैं, उसके सबूत मांगने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सबूत के बिना हैं, वो प्रजम्पशंस पे हैं, अजम्पशंस पे हैं, और इन प्रजम्पशंस और अजम्पशंस पे नहीं चला जा सकता जिस तरह से चला जा रहा है। तो वी नीड टू चेंज द थिंग्स, वी नीड टू डेवलप अ टेंपर इन विच वी शुड आस्क क्वेश्चंस। और अगर हम लगातार क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो और बैकवर्ड होती जाएगी। आप खुद ही देख लीजिए कि हम लोग अब, अगर हम आज़ाद हुए, काफ़ी साल हो गए हिंदुस्तान को, लेकिन अभी भी
यहाँ पर कोई भी ऐसा अगर हम कहेंगे कि कोई हमने नोबेल प्राइज़ नहीं जीता साइंस में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जो जिन लोगों ने जीता भी है वो ज़्यादातर वो लोग रहे जो बाहर रहे, अमृत सेन की तरह या बाकी लोग जो बाहर जाके उन्होंने कुछ अचीव किया, यहाँ पर रह के वो अचीव नहीं कर पा रहे। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग जो हैं हम अपना साइंटिफिक टेंपर को समझते नहीं हैं, हम उन लोगों की कदर नहीं करते जो साइंटिफिक टेंपर की तरफ भागते हैं, हम उन चीज़ों की इज्जत भी नहीं करते। तो वी नीड टू चेंज आर अप्रोच, और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, जितना लेट होगा वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हम इस सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे सवाल उठाएंगे और मैं चाहूँगा कि हम लगातार इस पर बात करें, और मैं चाहूँगा आप कुछ अपने कमेंट्स लिखें कि आप किस किस चीज़ पे इस सीरीज़ में डिस्कस करना चाहते हैं या मेरे से सुनना चाहते हैं, तो हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले इस एपिसोड में, अगले में एपिसोड में मिलेंगे जिसमें हम और बातें करेंगे इस बारे में, और हम कोई टॉपिक लेके आएंगे और उसके ऊपर थ्रेड बेयर हम डिस्कस करेंगे, उसके सारे दोनों साइड दोनों पहलुओं को दिखाएंगे और आपकी जजमेंट पे छोड़ देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं, आज के लिए अलविदा। मैं शाहिद, और चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, और साथ में जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही।